हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अमन सिविल टेक्निकल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको क्रैश बैरियर की कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, हमारी ड्राइंग है इस प्रकार। तो ये हमारा डेक स्लैब हो गई आपकी। डेक स्लैब के ऊपर आता है आपका क्रैश बैरियर। ये आपकी क्रैश बैरियर की डेप्थ होगी बॉटम वाली, ठीक है जी। और जो हमारा रेलिंग लगी हुई है, चैनल पोस्ट हो गया, और जो हमारा चेयर प्लेट हो गया, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है आपका एंड एंड का, ठीक है। डिटेल ऑफ एंड क्रैश बैरियर, आपको एंड से देखोगे तो क्रॉस बैरियर का इस प्रकार सेक्शन दिखाई देगा। तो इसकी देखो, यहाँ से लेके इसकी हाइट है 0.9 मीटर, और इसकी टॉप की विड्थ है जो 0.225 मीटर, और जो बॉटम की आपकी डेप्थ विड्थ दे रखी है, इसकी दे रखी है 0.450 मीटर। देखिए इस प्रकार, ठीक है। और इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक की इसकी हाइट जो दे रखी है, तो हमने ये वाला सेक्शन आपका पहले तो चार पार्ट में काट लिए, बांट लिया। देखिए यहाँ से हमने सेक्शन रेक्टेंगल मान लिया फर्स्ट, सेकंड हमने ये मांग लिया ट्रपोजोडल वाला यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद थर्ड सेक्शन हमने रेक्टेंगल फिर मांग लिया ये वाला, उसके बाद ये ट्रेंगल मान लिया आपका। तो इसकी जो रेक्टेंगल है नीचे वाला बॉटम, इसकी हाइट आपकी 0.150 मीटर, और ट्रेंगल वाले की हाइट है यहाँ तक 0.250 मीटर, और इससे ऊपर तक टॉप में जो बची आपकी 0.500 मीटर। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 0.125 मीटर दे रखी है। देखिए इस प्रकार इसमें जे, और ये यहाँ पर आपको देखिए रेडियस जो R2 दे रखा है, जो R1 दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सर्कल बनेगा यहाँ पर थोड़ा ट्रेंगल में नहीं होता आपका, थोड़ा सर्कल टाइप में होता है हल्का, ऐसे यहाँ पर होगा। तो उसका रेडियस आपको दे रखा है, तो हम इसको नेगलेक्ट करके आपका ट्रेंगल मान लेंगे। तो हमने ये आपका ट्रेंगल बना रखा है, तो इसकी क्वांटिटी निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारा क्रैश बैरियर है। जैसे ये हमारी डेक स्लैब होगी, इसके बाद हमारा क्रैश बैरियर आ जाता है आपका। ये आपका सर्कल टाइप में जो था, जो आर आपको दे रखी थी 2.0.250, तो ये हमारा ये था, हमने नेगलेक्ट किया था। तो हम ट्रेंगल बना लेते हैं इस शेप में। ये हमारा थोड़ा था रैंक नेगलेक्ट कर देते हैं। ये हमारा दे रखा था आपको 0.150। ये हमारा रेलिंग हो गई आपकी क्रैश बैरियर की, ये चैनल पोस्ट हो गया। तो रेलिंग इस प्रकार लगाते हैं आपका चैनल पोस्ट, डायमेंशन के दूरी के हिसाब से 2.5 मीटर या 2 मीटर इस प्रकार से। ये हमारा देख सकते हो, हमारा 30 मीटर का आपका क्रैश बैरियर है। तो बस यही बताना चाहते थे हम, अगर यहाँ से हम एंड से काटेंगे, अगर यहाँ से क्रॉस सेक्शन करेंगे तो एंड का पोर्शन दिख जाएगा। तो जो हमने दिखाया था आपकी ड्राइंग में, तो यहाँ से कटा हुआ आपका था। तो जी जी हो गया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने साइड का अपना व्यू दिखा दिया है आपको, किस प्रकार का आपका रेक्टेंगल साइड से दिखता है, और उसका आपको रेलिंग दिखा दिया। तो चलिए हम चलते हैं अपना कैलकुलेशन पर। तो हमारा इस प्रकार आपका क्रैश बैरियर का सेक्शन दिख रहा था, तो हमने चार भागों में आपका बांट दिया था। तो चारों का, इन चारों का आपका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए रेक्टेंगल सेक्शन एरिया L×B, एल हमारा 0.50 मीटर, और आपकी विड्थ दे रखी है 0.150 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया फर्स्ट मिल गया 0.068 मीटर स्क्वायर। अब सेक्शन टू देखेंगे, हमारा सेक्शन टू जी मान लग ये रहा यहाँ से लेके इस प्रकार। तो हमारा यहाँ से इस A1 ये हो गया, B2 ये हो गया आपका 0.325 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ट्रपोजोडल का, A+B/2×H। तो आपका फॉर्मूला में रख देंगे इस वाली हाइट, ये हाइट हमारी ये रही इस प्रकार यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो इसको मिल गया A2 हमको एरिया 0.138 मीटर स्क्वायर ट्रपोजोडल का।
एरिया। फिर थर्ड सेक्शन में अपना देखेंगे, थर्ड सेक्शन हमारा ये रहा, तो इसकी लेंथ हमको कितना है, यही आप वाली आपकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको 0.325 मीटर, इसकी विड्थ है आपकी 0.250 मीटर। तो चलो चलते हम, देखिए जरा, थ्री रेक्टेंगल सेक्शन एरिया थ्री का एल इंटू बी, इस प्रकार एरिया आपको थ्री का मिल गया 0.08 मीटर स्क्वायर। अब हमारा बचा ट्रायंगल, ट्रायंगल सेक्शन देख लीजिए आपका इस प्रकार है, ये आपकी विड्थ हो गई, सॉरी विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई आपकी 0.250 मीटर। इसका फॉर्मूला होता है आपका ट्रायंगल सेक्शन का एरिया का 1/2 × b × height। तो इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे आपकी, तो एरिया हमको ट्रायंगल का मिल गया 0.016 मीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया निकाल लेंगे आपका इस प्रकार, देखिए तो टोटल एरिया के लिए चारों एरियों को आपका ऐड कर देंगे, तो देखिए 0.068 आपका फर्स्ट एरिया मिला हमको, ये पुट कर लिया। उसके बाद हमने दूसरा एरिया आपका मिला 0.38 मीटर स्क्वायर, तो हमने 0.138, तीसरा मिला 0.081 जीरा, फोर्थ हमको 0.016, तो टोटल एरिया हमको मिलेगा 0.303 मीटर स्क्वायर। अब टोटल लेंथ ऑफ क्रैश बैरियर की दे रखी है हमको 30 मीटर, जो भी हो आपकी निकालोगे, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रैश बैरियर 0.303 × 30, तो हमको मिल गया 9.09 मीटर क्यूब। तो हमने लगभग 9 मीटर क्यूब आपकी गिट्टी होगी कंक्रीट उसकी क्रैश बैरियर। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद ऑल ऑफ यू। तो आप एक बार और देख सकते हो इस प्रकार।